नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर क्वेश्चन आइए इस बाई टेक्सट बुक में तो उम्मीद करता हूं आप सब देख भी पा रहे हैं आवाज भी क्लियरली सुनाई दे रही है ओके आवाज भी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आवाज भी आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कलीम करिश्मा अंशु विदय अभिजीत नंदिता गुड मॉर्निंग एवरी वन एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं क्या करने वाले हैं जियो मोर्फोलॉजी पढ़ने आए हैं क्या पढ़ने आए हैं भाई जरा बताइए क्या टॉपिक है आज का जागिए आज तो नौ बजे क्लास भी नहीं है आज तो दस बजे क्लास है जय हिंद हयात गुड मॉर्निंग नंदिता तो क्या टॉपिक है आज का कल की क्लास देखी थी तो आज हमने स्टार्ट किया है कल ही स्टार्ट किया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कल आपको समझाया भी गया था तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी पीडीएफ मिल जाएगी वक्त के साथ क्लाइमेटोलॉजी की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है यहां पर तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जियो मार्फोलॉजी अभी पढ़ा रहा हूं तो एक बार वो भी पढ़ा दूंगा तो उसकी भी पी डी पर शेयर हो जाएगी अभी आधी जियो मार्फोलॉजी की पी जितनी पढ़ाई है उतनी मैं शेयर कर दूंगा आज चलिए तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट तो याद है कल पढ़ा था हमने कल देखा था कि एनवायरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 20 सवाल आपको एनवायरमेंट टॉपिक से देखने मिलते हैं और ये बीच सवाल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती यानी कि थोड़ा मेहनत में बहुत रिटर्न कौन सा सब्जेक्ट देता है इन्वायरमेंट देता है किसमें प्रिलिम्स में ऑब्वियसली मेन्स में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है और यूजली दो क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं एक पंद्रह मार्कर एक टेन मार्कर किसी किसी साल एक पंद्रह मार्कर दो टेन मार्कर यही देखने मिलता है लेकिन अगर प्रिलिम्स क्लियर करना है तो इनवायरमेंट तो मजबूत रखना ही पड़ेगा चलिए तो ये सब हमने देखा था कल हमने देखा था क्या होता है इकोलॉजी क्या होता है इकोलॉजी क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ साइंटिफिक स्टडी क्या है इनवायरमेंट है या इकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी है किसको कहते हैं इनवायरमेंट को कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती कॉलेज की वजह से तो लाइव मत देखिए रिकॉर्डेड देखिए गुड मॉर्निंग रुखसार जल्दी से बता दीजिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी क्या है जल्दी से बताइए इकोलॉजी को बहुत बढ़िया तो कल हमने देखा था वो सब कुछ जो किसी स्पीशीज के आसपास एग्जिस्ट करता है और उसको प्रभावित करता है फिर वो चाहे जैव हो या अजैव हो फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो सब है एनवायरमेंट और वो स्पीशीज कैसे इन सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक ए बायोटिक से प्रभावित हो रहा है उस साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी फिर हमने देखा था स्पीशीज क्या होता है हमने देखा था एक स्पीशीज लाइगर के बारे में तो लाइगर क्या कोई स्पीशीज है क्या लाइगर म्यूल स्पीशीज होते हैं क्या लाइगर और म्यूल स्पीशीज होते हैं खच्चर म्यूल लाइगर क्या ये कोई स्पीशीज है जो आपने तस्वीर में देखा थोड़ी देर पहले ये लाइगर विजय देवरकोंडा कोंडा की बात नहीं कर रहा इसकी बात कर रहा हूं नहीं होते ये ऑफस्प्रिंग है स्पीशीज क्यों नहीं है बिकॉज इट कैन नॉट इंटरब्रीड बहुत बढ़िया तो स्पीशीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑफस्प्रिंग हो ना वो फर्टाइल होना चाहिए यूजली ये सब दो स्पीशीज को मिक्स करके जब बनाते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होता है जैसे लायन और टाइगर से लाइगर निकला तो जो ऑफस्प्रिंग है ये फर्टाइल नहीं होता ये स्टेराइल है वैसे ही डोंकी मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से निकलता है म्यूल तो ये म्यूल अगर आप देखें तो ये क्या होता है स्टेराइल होता है स्टेराइल होता है बहुत बढ़िया फिर हमने देखा था इकोलॉजी को अलग अलग लेवल पे कैसे पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ सकते हैं पॉपुलेशन के लेवल पर पढ़ सकते हैं कम्युनिटी के लेवल पर पढ़ सकते हैं इकोसिस्टम के लेवल पे पढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा जब हम इकोसिस्टम पे लेवल पे पढ़ते हैं तो बायोटिक एंड ए बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल पे उस स्पीशीज के आसपास जो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को पढ़ते हैं पॉपुलेशन में सिर्फ सेम स्पीशीज जो उसके साथ एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं को पढ़ते हैं और इंडिविजुअल में किसी एक स्पीशीज को पढ़ते हैं एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पढ़ते हैं फिर बायोस्फीयर क्या होता है हमने देखा था बायोम क्या होता है हमने देखा था तो यहां तक हमने कल की क्लास में देखा था तो आज अब हम देखेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ दिस्टम है ना क्या है वो इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कॉम्पोन तो इको सिस्टम में दो प्रकार के आपको मुख्य डिविजन देखने मिलेंगे जैसे मान लीजिए यहां पर पे एक पेड़ है ये एक पेड़ है ये पेड़ अगर आप देखें तो ये किस पर इस पेड़ से जो पत्ते वत्ते मिलते हैं उसको रैबिट खाता है रैबिट को यह फॉक्स खाता है ठीक है तो पेड़ के पत्ते रैबिट खा रहा है साथ में इसके जो फल वगैरह हैं उसको लेके दूर कहीं जा रहा है डिस्पर्स करवा रहा है तो क्या रैबिट पेड़ को प्रभावित कर रहा है पेड़ से तो डायरेक्टली प्रभावित हो ही रहा है क्यों क्योंकि उसी के फल को खाता है उसी के पत्तों को खाता है तो डायरेक्टली खुद तो इंपैक्टेड होता ही है पेड़ से बाकी उसी की छाओ वाओं में रहता है तो डायरेक्टली खुद तो रैबिट इंपैक्टेड ही है पर रैबिट पेड़ को भी इंपैक्ट करता है क्योंकि जो उसके सीड्स हैं उसको दूर तक वो फैलाता है है ना डिस्पर्स करवाता है ठीक है वैसे ही रैबिट को कौन खा रहा है ये फॉक्स खा रहा है तो जाहिर सी बात है फॉक्स रैबिट को प्रभावित कर रहा है रैबिट भी फॉक्स को प्रभावित कर रहा है और रैबिट और फॉक्स मिलके पेड़ से प्रभावित होते हैं है ना तो ये सारी चीजें क्या है लिविंग थिंग्स हैं लिविंग थिंग्स हैं तो अगर मैं इस इकोसिस्टम की बात करूं तो इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे पेड़ हो गया जैसे रैबिट हो गया जैसे फॉक्स हो गया जैसे सॉइल में रहने वाले ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गए ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ये लिविंग थिंग्स हैं एंड ये जो लिविंग थिंग्स है दोस्तों ये किसमें आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखिए ये आजकल क्या हो गया साइंस एंड टेक में कवर होता है क्योंकि तो जो पूरा का पूरा स्पेस वाला टॉपिक है ना वो अब साइंस एंड टेक का भाग हो गया स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में पढ़ाते थे पर अब ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पूरा का पूरा कैसे सन बना कैसे सोलर सिस्टम आया उसमें एक्चुअली जब साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं तो हम बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई और वहां से हम पूरा स्टार्ट करते हैं तो अब वो साइंस एंड टेक का टॉपिक का हिस्सा है आज के टाइम के मॉडर्न पीडियोलॉजी में आपको चाहिए तो कहिएगा मुझे मैं पढ़ा दूंगा ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप उसको खुद से पढ़ के भी नहीं समझ सकते बहुत सिंपल टॉपिक है क्योंकि वो टॉपिक ही पूरा साइंस एंड टेक्ट से आता है सवाल साइंस एंड टेक्ट से ही उस समय बनते हैं चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड हिंदी में बोलिए ये आपको खुद से करना है विधय विधय आपको खुद से करना है ये ठीक है तो तो जो लिविंग थिंग्स हैं जो किसी स्पीशीज के इर्द गिर्द रहते हैं वो क्या कहलाते हैं बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स वैसे ही अगर आप देखें तो काफी ए बायोटिक भी आपको देखने मिलते हैं अब ये पेड़ अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसको सर्वाइव करने के लिए सन से क्या चाहिए सोलर एनर्जी चाहिए ना सोलर इंसोलेशन चाहिए बिना सोलर इंसोलेशन के ये पेड़ क्या ही कर लेगा फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा फोटो ही करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए एटमोस्फेयर से तो इस पर भी निर्भर करेगा साथ ही साथ रेस्पिरेशन करता है तो उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है दिन में भले वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है नेट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है लेकिन रात को अगर आप देखो जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो रात के टाइम वो नेट ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है तो अब जियो नहीं होगा सर जियो होगा ना वीक डेज पर होगा वीकडेज में होगा वीकडेज में होगा ठीक है निश्चिंत रहिए वीकेंड्स में इकोलॉजी एनवायरमेंट वीकडेज में ज्योग्राफी ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी प्रकार से ये प्रेसिपिटेशन पर भी निर्भर करता है बारिश होती है पानी होती है पानी गिरती है तो पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जो मौजूद हैं उसको भी कंज्यूम करता है तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक सीधा साधा पेड़ कई लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पर निर्भर करता है सॉइल पर निर्भर करता है सॉइल में क्या मिनरल्स मौजूद हैं उस पर निर्भर करता है यानी कि अगर आप देखोगे तो इकोसिस्टम में बायोटिक एंड ए बायोटिक दोनों कई प्रकार के कंपोनेंट्स आपको देखने मिलेंगे तो कुछ मुख्य ए बायोटिक को हम देखते हैं कुछ मुख्य ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट अगर आप देखें तो ये क्या है इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इको सिस्टम ये वो हिस्सा है इकोसिस्टम का जो कि लिविंग नहीं है जैसे एयर जैसे सॉइल जैसे पानी में सैलिनिटी जैसे टेम्परेचर जैसे सोलर एनर्जी लाइट जैसे पानी जैसे मिनरल सॉइल में जो होते हैं जैसे सॉइल का पीएच जैसे हवा में नमी ह्यूमिडिटी ऐसे कई हैं, ये तो बस कुछ ही हैं। तो ये सब क्या है इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स अगर आप देखें तो एक आइए कुछ इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं तो जैसे कि एनर्जी जैसे कि एनर्जी तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर फूड चेन की नॉट हर बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द फूड चेन अगर आप देखें तो उसकी शुरुआत जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है वो कहां से आ रही है सोलर एनर्जी से आ रही है, है कि नहीं ये टाइम भी अगर आप देखें तो किसका है छठ का टाइम है छठ में किसकी पूजा की जाती है सूर्य देवता की क्यों की जाती है सूर्य देवता क्या करते हैं पृथ्वी को संचालित कर रहे हैं सोलर एनर्जी के द्वारा तो सन से जो एनर्जी आ रही है वही तो मेन एनर्जी है जो कि पूरे पृथ्वी को संचालित कर रही है रन कर रही है इसीलिए अगर आप देखें तो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सन से आने वाली एनर्जी क्योंकि मोर और लेस नॉट ऑल बट डेफिनेटली बहुत सारे फूड चेन्स 99.9 नाइन परसेंट फूड चेन्स अगर आप देखें पृथ्वी में अगर रन हो रहे हैं तो किसके द्वारा हो रहे हैं सोलर एनर्जी के द्वारा हो रहे हैं तो सोलर एनर्जी बेस पे है अगर सोलर एनर्जी ना हो तो क्या ना हो एनर... तो इकोसिस्टम सी एग्जिस्ट ना करें ठीक है वैसे ही अगर आप देखें नेक्स्ट है रेनफॉल तो रेनफॉल बारिश की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्यों क्योंकि जो बायोकेमिकल रिएक्शन है ना उसको चाहिए एक्वस मीडियम पानी वाला मीडियम उसी में अगर आप देखें उसी में अगर आप देखें तो आपको पानी की आवश्यकता है ओपल यार तुमको बदतमीजी करनी है ना तो ये क्लास में ना करो ठीक है मैं कह दूंगा तुम्हें ये क्लास उसके लिए नहीं बनी है सीरियस हो तो बैठो नहीं तो जाओ यहां से नहीं जाओगे तो बोल दूंगा धक्के मार के निकाला जाएगा तो प्लीज बिहेव लड़की हैं इज्जत से बात कीजिए चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो रेनफॉल है रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है कारण क्या है ना दोस्तों ये बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं जो भी डाइजेशन हो रहा है डाइजेशन हो रहा है या फिर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है जिससे जो ऑर्गेनिक चीजों को कोई कंज्यूम कर रहा है आप खाना खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो इन सभी चीजों में अगर आप देखें तो हमको पानी वाला मीडियम चाहिए एक्वस मीडियम चाहिए तो इसीलिए रेनफॉल का वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अगर आप देखें टेम्परेचर टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स ना सर्टन टेम्परेचर को ही टॉलरेट करते हैं और उसी टेम्परेचर के जो रेंज है उसी में एग्जिस्ट करते हैं हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है जैसे कि कैमल कैमल अगर आप देखो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अपना चिल मारता है रहता है मस्त रहता है कोई दिक्कत नहीं है वैसे ही पोलर बेयर माइनस थर्टी डिग्रीज बढ़िया रहता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पोलर बेयर को मैं 25 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ले आऊं हमारे लिए तो बहुत बढ़िया टेम्परेचर है पच्चीस डिग्री सेल्सियस एकदम प्लेजेंट काम लेकिन पोलर बेयर क्या करेगा पच्चीस डिग्री में क्या वो सरवाइव करेगा सर इंपॉर्टेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या पोलर बियर पच्चीस डिग्री में भी सरवाइव करेगा नहीं करेगा वैसे ही कैमल को मैं ले जाऊं है ना पोलर रीजन में क्या वो सरवाइव करेगा नहीं करेगा तो हर ऑर्गेनिज्म का सर्टन टेम्परेचर रेंज है जिसमें वो सर्वाइव करता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस इकोसिस्टम का वैसे ही ए बायोटिक इकोसिस्टम में आपको ऑक्सीजन भी देखने मिलता है तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या लेता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है।, है ना तो क्या प्लांट्स प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स लगाइए ऑक्सीजन बढ़ाइए तो क्या प्लांट हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्या प्लांट हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्या प्लांट हमेशा ऑक्सीजन रिलीज, रिलीज करते हैं क्या कहेंगे आप लोग सर गुस्सा बहुत करते हैं जो मुझसे क्लास में मेरे क्लास में अटेंड करते हैं वो सभी जानते हैं मैं बहुत शांत कूल रहता हूँ हंसता रहता हूँ लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं कभी टॉलरेट नहीं करता तो जब आप वो रेड लाइन पार करेंगे तो वहाँ पे मैं इंटरवीन करूँगा है ना रात में नहीं करते दिन में ही प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्यों क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस वक्त प्लांट्स क्या करता है CO2 लेता है ऑक्सीजन रिलीज करता है लेकिन सेल को अगर संचालित करना है तो क्या करना है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दिन में भी होता है रात में भी होता है दिन में भी प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं दिन में भी जब वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस से भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो जो नेट ऑक्सीजन है वो दिन में वो रिलीज कर रहा होता है लेकिन रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही इसीलिए नेट ऑक्सीजन क्या होता है प्लांट कंज्यूम कर रहा होता है क्लियर है यह कंसेप्ट याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉइल सॉइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है है ना तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो को कर लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखें तो लैंड में जो सॉइल होता है उसमें कई प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट्स भी जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोव प्रोटोजोआ फंगी स्मॉल एनिमल भी रहते हैं सॉइल so, भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का ऐसे ही आप देखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में जो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है उसी में हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स ह्यूमिक सब्सटेंसेस ये सभी अगर आप देखें तो प्लांट कैसे बनाता है प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है तो प्लांट क्या लेता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेता है एटमॉस्फेयर से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाटर लेता है सल्फर लेता है नाइट्रेट्स लेता है फॉस्फेट्स लेता है और फिर सनलाइट प्रेजेंस में उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कंज्यूम कर लेता है है ना तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो प्लांट खुद से मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनाता है वो भी किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही कन्वर्ट करके बनाता है अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे मान लीजिए एक प्लांट है वो हमेशा अंधेरा में रहे है ना ग्रीन प्लांट है तो वो प्लांट मर जाएगा है ना क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा भले उसको मैं बढ़िया एयर दे रहा हूँ लेकिन वो नहीं जिएगा क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं है फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रहा तो ये सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सीओ टू वॉटर सल्फर नाइट्रेट फोस्फेट धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि वो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स में तब्दील ही नहीं हो रहा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो इसलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कॉम्पोनेट है फिर इंडोर प्लांट का क्या इंडोर प्लांट सर्वाइव कर जाता है थोड़ा सा जो लाइट है इंडोर में जैसा रहता है दिन में वो तो उसी से अपना काम कर जाता है उसको बहुत ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती तो थोड़े में ही सरवाइव कर लेता है लेकिन लेकिन उस प्लांट को भी उस प्लांट को भी भले उस प्लांट के पास में उसको एकदम कंप्लीट डार्कनेस में रखूं लेकिन अगर मैं उसके रूट्स में कार्बोहाइड्रेट का स्प्रे करना शुरू कर दूं प्रोटीन का स्प्रे करना शुरू कर दूं लिपिड्स का स्प्रे करना शुरू कर दूं उसको इंजेक्ट करके प्रोटीन देने लगू तो शायद सरवाइव कर भी जाए तो शायद सरवाइव कर भी जाए ठीक है तो अभी हमने क्या पढ़ा कौन सा कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम का बायोटेक की है बायोटेक जल्दी से बताइए तो अब क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ लिया हमने अभी हमने क्या पढ़ा कौन सा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम ए बायोटिक बहुत बढ़िया क्या पढ़ा हमने ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम देखा अब हम देखेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इंडोर प्लांट्स भी सीओ टू रिलीज करते हैं क्या सर बिल्कुल करता है वो हर चीज जो रेस्पिरेशन करता है वो सीओ टू रिलीज करता है जैसे आप जैसे मैं जैसे प्लांट्स वो हर चीज जो जीवित है वो रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन लेता है सीओ टू रिलीज करता है ठीक है चलिए तो अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया इकोसिस्टम का ऑर्गेनिक एंड द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम यानी कि ये वो पार्ट है इकोसिस्टम का जो कि जीवित है जैव है जैव है ठीक है तो अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना इसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ ऑटो मतलब ऑटोमेटिक ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन जो अपना न्यूट्रिशन खुद बटोर ले खुद बना ले, लेको तो क्या कहेंगे ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ तो ये क्या है सेल्फ नरिशिंग सेल्फ नरिशिंग यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं इनको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ सारे ऑटोट्रॉफ अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं है ना क्या करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय कंपाउंड लेते हैं जैसे कि पानी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि सॉइल से लिया नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स एंड एटमॉस्फेयर से लिया ऑक्सीजन ये सभी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप देखो तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स इनिशियली क्या करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं यही ग्लूकोज अगर आप देखोगे ओवर टाइम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च सेल्यूलोस लाइक लिपिड्स लाइक अमीनो एसिड्स तो प्लांट्स इनिशियली क्या करते हैं कुछ इस प्रकार से CO2, H2O लेते हैं सनलाइट का प्रेजेंस होता है जिसके प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं केमिकल रिएक्शन याद है ना ये केमिकल रिएक्शन याद है ना तो ये क्या है ये क्या है ये शुगर है यह ग्लूकोज है सिंपल शुगर है ग्लूकोज जैसा है और यही ग्लूकोज बाद में क्या करता है प्लांट स्टार्च सेल्यूलोस लिपिड्स, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है तो यह समझ आया ये समझ आया एनवायरमेंट की मास्टर क्लास होगी नहीं आज नहीं है बाद में देखेंगे आगे रखेंगे इसको ठीक है तो ये क्या है ऑटोट्रॉफ ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन यानी ऑटोमेटिक खाना जुगाड़ ले जो उसको क्या बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ सेल्फ नरिशिंग अब देखते हैं और एक प्रकार का ऑटोट्रॉफ होता है ये क्या है फोटोसिंथेसिस करता है ना तो ये कैसा ऑटोट्रॉफ है फोटो है क्योंकि तो ये कैसा ऑटोट्रॉफ है फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना जुगाड़ता है है ना और एक प्रकार का ऑटोट्रॉफ होता है वो कीमोसिंथेसिस करता है कीमो सिंथेसिस सिंथेसिस का क्या मतलब होता है सिंथेसिस का क्या मतलब होता है इज इट लाइव सर हाँ बिल्कुल लाइव है दोस्त अच्छा सिंथेसिस का मतलब कह रहे हैं क्या लाइव नहीं नहीं सिंथेसिस का मतलब बनाना मैन्युफैक्चर फोटो सिंथेसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में बनाना कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाना है ना तो ये अगर आप देखो ये भी ऑटोट्रॉफ है यानी कि ये भी अपना खाना खुद बनाता है लेकिन ट्रेडिशनल तरीका है कि फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के प्रेजेंस में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाओ यह क्या कर रहा है ये केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से यह भी खाना अपना खुद बना रहा है लेकिन यह एनर्जी कहां से ले रहा है केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहा है जैसे कि आप देखें जैसे कि आप देखें तो मोस्ट कीमोट्रॉफ केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो खाना खुद बनाते हैं ये एक्सट्रीमोफाइल होते हैं यानी कि एक्सट्रीम इनवायरमेंट्स में रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जैसे कि कुछ आर्किया कि आप देखो तो इस प्रकार से ये देख रहे हो ओशन की गहराई में यहां पे आप अगर देखोगे ओशन के गहराई में ये ब्लैक स्मोकर आपको देखने मिल रहा है इसमें अगर आप देखोगे तो सल्फर वगैरह है एंड अन्य केमिकल्स हैं तो वो क्या कर रहा है ये जो बैक्टीरिया यहां पे रहते हैं जो आर्किया यहां पे रहते हैं ये ऐसे एक्सट्रीम वातावरण में रहते हैं और क्या करते हैं इस एक्सट्रीम वातावरण में सल्फर को इस्तेमाल करेंगे जो यहां पे बहुत ज्यादा बहुतायत में है वैसे ही अन्य चीजों को इस्तेमाल करके उससे एनर्जी डिराइव कर लेंगे उससे एनर्जी डिराइव कर लेंगे तो ये क्या है कीमो ऑटोट्रॉफ है तो अब समझ आया जब मैंने कहा कि 99.9% परसेंट तभी फूड चेन के बेस पे सोलर एनर्जी है बाकी कौन है कीमो ऑटोट्रॉफ है मोस्ट ऑफ दी फूड चेन्स पृथ्वी में फोटो ऑटोट्रॉफ के द्वारा ही स्टार्ट होते हैं लेकिन कुछ फूड चेन्स ऐसे भी हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ जिसको रन करते हैं तो यहां तक सभी को समझ आया तो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड्स जिससे वो क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं सेल अगर आप देखो तो वो जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर कर सकते हैं और अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म इन सभी को रन कर सकते हैं तो हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो ऑटोट्रॉफ क्या है जो अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खुद बना ले है ना जो अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खुद बना ले इसीलिए इनको क्या कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर दूसरा है हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ के बाद दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफ ये क्या करता है ये अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खुद नहीं बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से पाता है जैसे कि यह पत्ता अगर आप देख रहे हो क्या कर रहा है यह फोटोसिंथेसिस करता है सोलर तो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज को फिर अमीनो एसिड्स में स्टार्च में लिगनिन में अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करता है ये जीब्रा है जीब्रा अगर आप देखो तो उसको भी वही सारी चीजें चाहिए उसको भी अमीनो एसिड्स चाहिए उसको भी आप देखोगे तो उसको भी कुछ स्टार चाहिए तो वो सब कहां से लाता है वो घास को खा के ला रहा है जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हो तो ग्रास क्या है ग्रास क्या है ऑटोड्रॉफ और उसको जो जीब्रा जो खा रहा है वो क्या है हेटेट्रोफ हेटेट्रोफ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं मिक्सोट्रॉफ यानी मिक्स है मन किया तो ऑटोट्रॉफ मन किया तो हेट्रोट्रॉफ हालांकि मन से तो नहीं संचालित होते ये नीड से संचालित होते हैं जब जैसी जरूरत आन पड़ी तो ये क्या है मिक्सोट्रॉफ कुछ प्लांट्स हैं कुछ एलगी हैं जो कि अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड इस्तेमाल करते हैं कभी ऑटोट्रॉफ भी कभी हेट्रोट्रॉफ भी <coughs> जैसे कि यहां पे आप जो देख रहे हो दिस इज युगलीना एक प्रकार का एलगी है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है जब इसके पास लाइट होती है यानी क्या बन जाता है उस वक्त ऑटोट्रॉफ बनता है लेकिन आसपास से कुछ खाना वाना आ जाए ना तो उसको खा भी जाता है इसको फिर वो डाइजेस्ट भी करता है यानी वैसे तो मोस्टली क्या है ऑटोट्रॉफ है लेकिन आसपास से अगर कुछ खाना वाना मिल जाए तो पार्टिकल्स ऑफ फूड आ रहा हो तो उसको दबोच के खा भी जाएगा तो क्या बन जाएगा ऑटोट्रॉफ तो है ही साथ, साथ कभी कभी हेट्रोट्रॉफ भी है यानी ये कैसा ट्रॉफ है मिक्सोट्रॉफ मिक्सोट्रॉफ सर ये कौन सा कोर्स का क्लास है ये कौन से कोर्स की क्लास है भाई बता दो ये है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास है एंड जिसमें अगर आप देखें तो आज दूसरी क्लास है ठीक है हाँ, तो यहां पे मैं जैसा कह रहा था कि भाई ये जो युगलीना है ना ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फूड नहीं बनाता ये कंडीशन पर निर्भर करता है कभी कंडीशन अप्रोप्रिएट हो तो फोटो करेगा लेकिन साथ 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 यदि कुछ खाने का पार्टिकल गुजर रहा है तो उसको पकड़ के खा भी लेगा ना, दोनों कर लेता है नेक्स्ट hmm. देखिए जो आप यहां पे देख रहे हैं ये क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये देख रहे हो इसमें ये क्या है वीनस ट्रैप यहां पे कीड़ा आएगा तो बंद होके उसको ट्रैप कर लेगा उसको फंसा लेगा और फिर खा जाएगा तो वीनस ट्रैप अगर आप देखें तो सब ट्रॉपिकल वेटलैंड में पाया जाता है ये प्लांट एंड लाइक मोस्ट प्लांट देख रहे हो ग्रीन कलर का है यानी क्या करता है फोटो करता है लेकिन ये वेटलैंड में रहता है कैसे सॉइल में रहता है कैसे इलाकों में रहता है वेटलैंड में रहता है वेटलैंड में रहने की वजह से अगर आप देखें तो ये सॉइल कैसे होते हैं न्यूट्रिएंट में पुअर होते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरी करने के लिए ये क्या करता है कीड़े खा लेता है कीड़े खा लेता है, है ना तो इस न्यूट्रिय पुअर सॉइल में इसे न्यूट्रिय नहीं मिलते तो जो कीड़ा वीड़ा आता है उसको तो पकड़ के खा लेगा और उससे न्यूट्रिय ले लेगा तो यह भी क्या है मिक्सोट्रॉफी मिक्सो सर सेम क्वेश्चन क्या है सेम क्वेश्चन हाइविटी फिंग कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा उतना मजबूत नहीं है उतना मजबूत नहीं है वैसे ही पिक्चर प्लांट तो हमारे यहाँ मेघालय में भी होता है मेघालय में भी होता है ठीक है तो उतना मजबूत नहीं है ऐसा कोई लोहे का नहीं है कि आपकी उंगली कटके अलग हो जाएगी कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा है ना फिर बिना उंगली के होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा निश्चिंत रहिए ऐसा कुछ नहीं होगा हालांकि इस प्रकार के डेयर डिलीवरी करनी है तो नेचर में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो कुछ देर में ही चल बसेंगे तो इसलिए संभाल के नेचर के साथ भी हमें रहना चाहिए चलिए तो ये क्या था मिक्सोट्रॉफ अब तक हमने क्या देखा ऑटोट्रॉफ देखा हेट्रोट्रॉफ देखा मिक्सोट्रॉफ देखा ठीक है ये जो हाँ छोटे जीव है कीड़े खाते हैं कीड़े खाते हैं कीड़े खाते हैं इसका कलर देख रहे हो ऐसे लाल रंग का रखा है बहुत ही अट्रैक्ट करता है कीड़ों को कीड़ों को देखा है सफेद कलर का कभी कभी टी शर्ट पहन के जाओ तो उसके ऊपर कैसे चिपक जाते हैं वैसे ही ये भी अपने कलर से कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं और जब कीड़े आते हैं तो ढक्कन बंद ढक्कन नहीं ढक्कन तो पिछड़ प्लांट में है ये ट्रैप हो जाता है इसको बंद कर लेते हैं ठीक है बचपन से यही क्यूरियोसिटी थी मेरी चलिए बचपन से क्यूरियोसिटी आपकी हुई खत्म चलिए तो हमने जैसा देखा प्रोड्यूसर्स कौन है जो अपना खाना खुद बनाए प्रोड्यूसर दो प्रकार के हो सकते हैं ऑटोट्रॉफी कहेंगे प्रोड्यूसर को एक वो वाले ऑटोट्रॉफ है जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हो दूसरे वो वाले ऑटोट्रॉफ है जो कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हो वैसे ही कुछ होते हैं कंज्यूमर कंज्यूमर क्या हुए ये हुए हेटेरो, हेटेरो का मतलब अदर ट्रॉफ का मतलब नरिशिंग यानी कि अपना नरिशमेंट दूसरों से जुगाड़ने वाले तो ये अगर आप देखें तो कंज्यूमर्स हैं क्यों क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते खाना ये इनकैपेबल हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए ये अगर आप देखो तो निर्भर करते हैं दूसरों पे कि उनसे ऑर्गेनिक फूड उनको मिल जाए है ना दूसरे प्लांट को खा लेंगे दूसरे एनिमल को खा लेंगे या दोनों को खा लेंगे और उससे अपना नरिशमेंट डिराइव कर लेंगे ठीक है जैसे कि इसको देखिए तो ये क्या है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं ग्रास हैं, ये क्या है प्रोड्यूसर है यह खरगोश ने क्या किया इन ग्रीन ग्रास को खाया तो यह क्या है कंज्यूमर है सांप ने भी खरगोश को खाया तो ये भी क्या है अपना नरिशमेंट दूसरे से जुगाड़ रहा है तो ये भी एक कंज्यूमर है चील है सांप को खा रही है यह भी अपना नरिशमेंट खुद नहीं बना रही दूसरे पर निर्भर कर रही है तो ये भी क्या है एक कंज्यूमर है तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ अब कंज्यूमर्स को दो मुख्य प्रकार में हम और बांट सकते हैं क्या हो सकता है माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर मैक्रो कंज्यूमर यानी फैगोट्रॉफ फैगोट्रॉफ तो यहां पे क्या हो रहा है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं यानी कि पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन जैसे आप जैसे मैं जैसे मेरी बकरी जैसे मेरा कुत्ता जैसे मेरी बिल्ली जैसे शेर जैसे चीता ये सब पहले कंज्यूम करते हैं इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं ये क्या है फैगोट्रॉफी या फिर ये कैसे हैं मैक्रो मैक्रोकंज्यूमर्स दूसरा क्या होता है माइक्रोकंज्यूमर कंज्यूमर लग गया मतलब ये भी अपना खाना तो खुद नहीं बना सकता दूसरे से ही खाना ले रहा है ये अगर आप देखो तो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एंड फिर उसको डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं तब उसको कंज्यूम करते हैं यानी कि पहले डाइजेशन कर दिया डाइजेशन का मतलब क्या है जो खाओ उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करो तो पहले ही उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया और फिर उसको न्यूट्रिशन उससे खींच लिया है ना तो इन्ही को क्या कहते हैं डिकम्पोजर्स भी कहते हैं डिकम्पोजर्स भी कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर, जैसे कि अगर आप देखें गोबर है ना गोबर है गोबर क्या है एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है उसमें एनर्जी भी है आप गोबर को जलाते हैं तो फ्यूल की तरह जलता है तो उस गोबर के ऊपर आप देखोगे हो सकता है काफी टाइम तक कहीं रखा हुआ है या कोई डेड पुरानी लकड़ी है है ना कोई पुरानी लकड़ी है उस लकड़ी के ऊपर आप देखे हो इस प्रकार से क्या लगा रहता है मशरूम लगा रहता है ये मशरूम क्या कर रहा है इस लकड़ी को सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस इस पर रिलीज कर रहा है और ये डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहा है इस लकड़ी पे इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और फिर इससे न्यूट्रिशन ले रहा है तो ये कैसा कंज्यूमर है माइक्रो कंज्यूमर है कैसा कंज्यूमर है माइक्रो कंज्यूमर है पहले डिकम्पोज पहले डाइजेशन फिर इंजेशन या डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन पहले डाइजेशन फिर एब्जॉर्प्शन है ना माइक्रो कंज्यूमर में क्या होता है पहले इंजेस्ट करता है फिर डाइजेस्ट करता है फिर डाइजेस्ट मतलब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन और फिर उससे न्यूट्रिशन एब्सॉर्बन एब्सॉर्ब करता है तो ये प्रोसेस चलता है माइक्रो कंज्यूमर में इंजेस्ट वाला नहीं होता पहले बाहर ही बाहर डाइजेस्ट कर देगा फिर उससे न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके ले लेगा क्लियर हुआ कंसेप्ट मैक्रो कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर में क्या अंतर है मैक्रो कंज्यूमर को ही क्या कहते हैं फैगोट्रॉफ कहते हैं तो ये क्लियर हुआ सभी को मैट ऑफ लाइकन ही माइक्रो कंज्यूमर्स है ना पहले मुझे बताइए मुस्कान लाइकन में कौन कौन से जीव होते हैं लाइकन में कौन कौन से जीव होते हैं लाइकन क्या है क्या एक जीव होता है लाइकन क्या लाइकन बस कोई एक जीव है क्या कोई एक स्पीशीज है लाइकन लाइकन क्या है जनता जनार्दन खामोश क्यों हो गए सर पानी वाले होते हैं बैक्टीरिया नहीं जी लाइकन में एलगी भी है पंगी भी है इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकन इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अब अगर आप देखोगे एलगी क्या करता है फोटोसिंथसिस कर सकता है फंगी नहीं करता फंगी क्या करता है वो तो कंज्यूमर्स होता है तो इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है लाइकन है ठीक है तो इसलिए लाइकन थोड़ा ऑटोट्रॉफी भी करता है कुछ पार्ट उसका हेड्रोट्रॉफी भी करता है क्लियर बाकी इसको हम फिर पढ़ेंगे पढ़ना ही है हमको है ना जिनको नहीं मालूम घबराइए मत जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप पढ़ेंगे अभी हम थोड़े देर में तब ये सब पढ़ने वाले हैं घबराइएगा मत चलिए चले तो हेट्रोट्रॉफ क्या होता है मैक्रोकंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर मैक्रो दो भाग में इसको तोड़ सकते हैं तो मैक्रो कंज्यूमर्स वाला हेट्रोट्रॉफ क्या है ये वो है जो पहले इंजेस्ट करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करके आपके मेरे जैसा क्या करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिशन ले लेता है ठीक है ये सब क्या है कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर्स हैं अब कंज्यूमर्स कई प्रकार के हो सकते हैं जो कि अलग अलग जरिए से अपना फूड क्या करते हैं जुगाड़ लेते हैं अलग अलग फूड सोर्सेस पर वो निर्भर करते हैं अलग अलग फीडिंग मैकेनिज्म देखने मिलती है और इस प्रकार से वो अलग अलग, अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसे हर्बीवोर वो क्या करता है बड़ा सीधा साधा जानवर है क्या करता है हर्ब्स को खाता है है ना प्रोड्यूसर्स को जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रास पेड़ पौधा उसको खाके न्यूट्रिशन लेता है जैसे डियर जैसे जीब्रा जैसे कई प्रकार के अंगुलेट सन्न्य जानवर हाथी घोड़ा सब जानते हैं नेक्स्ट क्या हुआ कार्निवोर ये क्या करता है ये अन्य ये अन्य कंज्यूमर्स को खाता है ये प्रोड्यूसर को नहीं खाता है ये अन्य कंज्यूमर्स को खाता है जैसे लायन गया जाके जिब्रा को खा लिया जिब्रा भी कंज्यूमर है लायन भी कंज्यूमर है स्नेक जैसे जाके चूहे को खा लिया चूहा भी कंज्यूमर है स्नेक भी कंज्यूमर है तो ये क्या है कारूनी वैसे ही होता है ओमनी वोर। दोनों खा लेगा कभी तो प्रोड्यूसर मिल गया तो प्रोड्यूसर खा लिया कंज्यूमर मिल गया तो कंज्यूमर खा लिया है ना जैसे चिंपांजी जैसे माउस ये सब क्या है जो मिला पेड़ में फल मिला तो फल भी खा लेगा है ना छोटे मोटे कीड़े वीड़े मिले तो कीड़े भी खा लेगा जो आया जो मर्जी हुई दैट इज उमनी वोर भालू है है ना शिकार भी करके खा लेगा और पेड़ वेड़ से भी अच्छा खाता और फल वल मिलेगा तो वो भी खाएगा हनी वनी मिलेगी तो वो भी पी जाएगा तो ये क्या हुआ उमनी वोर फिर होता है एक स्कैवेंजर ये एक स्पेशल प्रकार का ही कारनी वोर है ये एक स्पेशल प्रकार का ही कारनी वोर है स्कैंजर कोई अरबी बोर नहीं है ये एक कारनी बोर है लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाता है ये शिकार नहीं करता बाकी बाकी कारनी क्या करते हैं या फिर उमनी भी क्या करते हैं शिकार करते हैं जब उनको कंज्यूमर को खाना होता है ऐसा तो नहीं होता ना कि हिरन आके लेट जाता है बोला लो खा लो मालिक अब तो राजा हो शेर जंगल के खा लो मुझे ऐसा तो नहीं होता शिकार करना पड़ता है भालू भी मछली जाता है तो नदी से मछली पकड़ के लाता है मछली उसके पैर पे आके नहीं बिछ जाती है खा लो मुझे नहीं शिकार करता है अगर आप देखो तो शिकार नहीं करता है कारनी बोर भी है खाता कंज्यूमर्स को ही है लेकिन शिकार नहीं करता ये किसी और के शिकार के बाद जो छूटा हुआ डेड डिकेइंग एनिमल्स हैं उनको खाता है या फिर कोई जानवर नेचुरल डेथ मर जाए <coughs> तो उसको फिर खाता है तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को ये फीड करते हैं जैसे हाइना जैसे वल्चर जैसे क्रोज तो उमनी वोर हो गए हाइना वल्चर्स ये सब क्या है स्केवेंजर्स टॉवर ऑफ साइलेंसर बहुत बढ़िया टॉवर ऑफ साइलेंस यस तो टावर ऑफ साइलेंस क्या है वैसे जानते हैं बाकी लोग कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है टावर ऑफ साइलेंस मुस्कान कह रही है टावर ऑफ साइलेंस के बारे में टावर ऑफ साइलेंस कौन से रिलीजन से जुड़ा हुआ है क्या होता है जिसको पारसी कहते हैं ना भारत में कई इलाकों में पारसी जोरास्ट्रियनिज्म में जब हर धर्म में अलग अलग प्रकार से क्रीमेशन होता है है है, ना? हर धर्म का अलग-अलग होता तो उसी में जोरास्ट्रियनिज्म जुदाइज में जुदाइज इज जुदाइज में नहीं जोरास्ट्रियनिज्म में जब कोई मर जाता है तो उसको लिए एक टॉवर होता है वहां पे उसको लटका देते हैं सो मृत्यु के बाद भी ये व्यक्ति किसी के पेट में खाने की तरह इस्तेमाल हो सके तो उसके ऊपर इसी प्रकार से स्कैवेंजर्स आते हैं और से शरीर को खा जाते हैं तो जाते जाते भी समाज सेवा करते हुए कोई जाए दैट इज स्केवेंजर्स का बहुत बड़ा रोल है अब बंद हो गया जी जी अब बंद हो गया ऑब्वियसली ये बंद हो गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं डेटरी वोर डेटरी वोर है ना क्या क्या देखा हमने अब तक अरबी वोर देखा कार्नी वोर देखा ओमनी वोर देखा कार्नी वोर का ही स्पेशल प्रकार देखा क्या है स्कैंजर अब देखते हैं डेटरी वोर डेटरी वोर भी क्या है ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ हेटेट्रॉफ मतलब ये भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते किसी पर तो निर्भर करते हैं लेकिन किस पर नाम में ही जुड़ा है डेट्रिटस पर डेट्रिटस पर तो ये एक टाइप ऑफ हैं, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से जुगाड़ते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सोर्सेस सच एस डेट्रीटस एंड ह्यूमस से डेट्रीटस क्या होता है पत्ता गिर गया पेड़ से है ना पत्ता गिरा पेड़ से ये पत्ता क्या होगा धीरे धीरे सड़ेगा तो वो पत्ता जब सड़ रहा है तो उसके ऊपर आप देखोगे तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है सीकल मैटर है सीकल मैटर क्या हो गया यानी एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा निकला तो उन सब पर जो उसे फर्दर ब्रेकडाउन कर रहा है उससे जो न्यूट्रिशन जुगाड़ ले वो क्या है डेट्रीटस और डेट्रीटस से जो एनर्जी निकाल ले उसको क्या कहेंगे डेट्रीवोर अर्थवम को देखा है सॉइल के अंदर रहता है मिट्टी के नीचे रहता है डिकेंग लीफ जो है सॉइल में उससे न्यूट्रिशन जुगाड़ता रहता है वैसे ही फीकल मैटर उससे भी आप देखोगे तो डंग बीटल होते हैं राव डंग है गोबर है उसके ऊपर आपने देखा होगा डंग में रहने वाले कुछ कीड़े होते हैं जो उससे भी न्यूट्रिशन निकाल रहे होते हैं तो ये सब क्या है डेट्रीवोर हैं, है डेट्रीटस जो वेस्ट है उससे फिर वो न्यूट्रिशन निकाले तो ये डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर से उसी को कहते हैं डेट्रीटस दे डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर जो उससे न्यूट्रिशन निकाल ले वो डेट्रीवर है समझ आया समझ आया बीटल अर्थवर्म वुड लाइस क्रैब्स ये सब क्या है अलग अलग प्रकार के डेटरी वोर हैं तो ये कौन थे ये सब के सब मैक्रोकंज्यूमर थे मैक्रो कंज्यूमर मैक्रो कंज्यूमर के बाद अब हम क्या देखेंगे माइक्रो कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर तो आइए देखते हैं माइक्रो कंज्यूमर को तो माइक्रो कंज्यूमर अगर आप देखें जैसा मैंने बताया माइक्रो कंज्यूमर क्या करते हैं क्या नहीं करते जरा बताइए मुझे यहां पे आपको बताया था हम क्या करते हैं पहले खाना इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं पेट में और फिर हमारे इंटेस्टाइन में उस डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है एबजॉपन होता है है ना मुंह से इंजेस्ट किया पेट में डाइजेस्ट किया और फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में उसका एब्सॉर्पन हुआ उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन खींच लिया पे इंटेस्टाइन्स में तो कंज्यूमर्स में क्या होता है क्या मिसिंग होता है जरा बताइए अरे बोलिए भाई अरे किसी को तो बोल कोई तो बोलो इंजेक्शन मिसिंग है इंजेक्शन मिसिंग है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अर्थवम की तरह मुंह नहीं है कि खा लिया वैसा नहीं हो रहा है ना अर्थवम भी अगर आप देखो तो एक मैक्रो कंज्यूमर है डट्रीबोर है डेट्रीटस ही खा रहा है लेकिन इसी डेट्रीटस को खाने वाले अन्य लोग भी हैं उसी से न्यूट्रिशन इसी डेट्रीटस से ही लाएंगे लेकिन मुंह नहीं है जिससे इंजेस्ट कर रहे हैं अर्थवम तो क्या है इंजेस्ट करता है पत्ता खाता जाता है उसको फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ के निकाल देगा फिर न्यूट्रिशन खींच के अब इसी डेट्रीटस की बात कर रहे हैं वही गिरा हुआ पत्ता है वही लकड़ी है अब देखिए माइक्रो कंज्यूमर्स क्या करते हैं तो माइक्रो कंज्यूमर्स अगर आप देखें तो ये अपने एनर्जी इसी डेट्रीटस डेड देट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डेट्रीटस से ही लेते हैं उसको डिकम्पोज करके लेते हैं अब ये डेट्रीट प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, कैसा भी हो सकता है और उसको जब उससे वो एनर्जी ले रहे हैं उसे डिकम्पोज करके तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स क्या कहते हैं डीकम्पोजर्स तो ये कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं सैप्रोट्रॉफ और ऑस्मोट्रॉफ सैप्रोट्रॉफ और ऑस्मोट्रॉफ ये दो प्रकार के आपको डिकम्पोजर्स देखने मिलते हैं सैप्रोट्रॉफ क्या करता है पहले डाइजेस्ट करता है फिर एब्जॉर्ब करता है जो कि मान लीजिए ये लकड़ी है यहां पे आप देख रहे हो ये देख रहे हो है ना ये लकड़ी है ना इसके ऊपर क्या लगा हुआ है क्या लगा है इसके ऊपर मशरूम तो ये मशरूम क्या करता है डाइजेस्टिव जूस को इस डेड मटेरियल पर रिलीज करता है लकड़ी है गिरी हुई तो इस पे वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहा है वैसे ही डेड एनिमल भी हो सकता है उस पर भी क्या करेगा ये सैप्रोट्रॉफ क्या करेंगे डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे और वो डाइजेस्टिव जूस इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा और फिर उसको उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील करके खींच लेगाींच लेगा। एज अ फूड एज अ फूड समझे क्या हुआ समझे क्या हुआ ये लकड़ी गिरी है लॉग ऑफ वुड है आप लोगों ने देखा होगा यार बरसात का टाइम है बरसात का टाइम है है ना बाहर कोई लकड़ी छोड़ दो बरसात में उसके ऊपर मशरूम ग्रो करता है देखा है कि नहीं देखा है धीरे धीरे लकड़ी गायब होती जाती है मशरूम क्या करता है उस लकड़ी को खाता जाता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके ऊपर उससे न्यूट्रिशन खींचता जाता है और लकड़ी भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है लकड़ी को छुओगे तो उसमें नमी दिखेगी मॉइस्चर दिखेगा वो क्या है उसका डाइजेस्टिव जूस है जो उस मशरूम ने रिलीज किया है और उससे न्यूट्रिशन खींच खींच के ग्रो कर रहा है तियर? वैसे ही सिल जाती है पानी में वो देन मशरूम उगते हैं हाँ सिला सिला सा लगेगा आपको यस गायब वाला पार्ट नहीं पता था एक अच्छा ये तो मालूम होगा मिट्टी में किसी जीव को मरने के बाद गाड़ दिया मुझे अभी भी बहुत दुख है बचपन की बात है मेरी मैं रहा हूँ सात या छह साल का एक छोटी सी स्पैरो थी मैं और मेरा भाई कमरे में थे हमारे कमरे में आ गई और कमरे में जब घुस गई ना वो तो हम चाह रहे थे कमरे के बाहर जाए कैसे भी करके निकले तो पंखा चालू था कमरे में और जब तक हम पंखा बंद किए वो स्पैरो जाके पंखे से जा टकराई और वहीं पर वो मर गई को हमने मिट्टी में घर के पास में मिट्टी में गाड़ दिया ये बात बचपन की है तो आज अगर मैं जाऊंगा तो क्या उस पंछी के अवशेष मिलेंगे फ्लैश मिलेगा नहीं मिलेगा फ्लैश भी क्या हो गया गायब हो गया ना गायब हो गया ना यानी किसी ने तो कंज्यूम किया होगा ना किसी ने तो कंज्यूम किया होगा ना तो एनिमल्स को कौन कंज्यूम करता है डेड एनिमल मैटर को डेड एनिमल मैटर को कौन कंज्यूम करता है वहां पे है बैक्टीरिया जैसे आप यहां पे मशरूम देख रहे हैं मशरूम क्या है एक प्रकार का फंगी है तो फंगी जैसे डेड प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है वैसे ही डेड एनिमल मैटर को मोस्टली कौन कंज्यूम करता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया वो भी क्या करता है ऐसे ही उससे एनर्जी ऑब्टेन कर, कर लेता है ऑब्टेन कर लेता है ठीक है तो ये आपको मालूम होना चाहिए सब क्या है सैप्रोट्रॉफ सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं फिर उससे एब्जॉर्ब करते हैं दूसरा होता है ऑस्मोट्रॉफ ऑस्मोट्रॉफ ये भी एक प्रकार का माइक्रो कंज्यूमर है ऑस्मोट्रॉफ ये क्या करता है सल्यूशन फॉर्म में यानी पॉन्ड्स में लेक में समुद्र में रहता है और जो ऑर्गेनिक मैटर पानी में फ्लोट कर रहा होता है पानी में फ्लोट नहीं पानी में जो डिजॉल्व होता है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करता है यूपीएससी ने पिछले साल एक सवाल पूछा था फिल्टर फीडर कौन होता है फिल्टर फीडर यह हमेशा मैं पढ़ाता हूं देखिए जो पढ़ा रहा हूँ इसी से सवाल आएगा यही सवाल का सोर्स है इतना ही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हाँ फिल्टर है इसके पास एक छन्नी लगी है ये क्या कर रहा है पानी में रहता है पानी में अपना छन्नी लेके घूमता है मतलब तो इसके शरीर में ही एक छन्नी जैसा और एक पार्ट बना हुआ है ये छन्नी क्या करता है पानी से जो भी ऑर्गेनिक मैटर गुजर रहा है ना घुला हुआ वो छन्नी क्या करेगा उसको खींच लेगा फिल्टर करके रख लेगा और बाकी पानी को जाने देगा ऑस्मोसिस करता है ऑस्मोसिस से बना है ऑस्मोट्रॉफ पानी में ऑस्मोसिस करके न्यूट्रिशन को अलग कर देता है तो इसको क्या कहते हैं ऑस्मोट्रॉफ कहते हैं ठीक है तो ये क्या है ऑस्मोट्रॉफ ऑस्मोट्रॉफ मैनग्रोव नहीं मैनग्रोव नहीं मैनग्रोव नहीं मैनग्रोव का करते हैं लेकिन यहां पर तो अपना कर मैनग्रोवली है ना फोटोसिंथसिस कर रहे हैं तो फिल्टर करके न्यूट्रिशन नहीं ले रहा मैनग्रोव ज्यादा उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कई प्रकार के माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं इस प्रकार से जो ऑर्गेनिक मैटर पानी में घुला हुआ है उसी से न्यूट्रिशन लेकर के आते हैं कुछ मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि मोलस्क जैसे कि स्पॉन्जेस जैसे कि आपने बताया कोरल्स ब्रैक्योपोड यानी बाइवाल शंख वाले जानवर होते हैं मुलस्क बाइवाल देखा है सीपी ऐसे खुलती बंद होती है जो स्टारफिश, एकिनोडर्म्स वो सब क्या करते हैं ऑस्मोट्रॉफिक फीडिंग मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोट्रॉफिक फीडिंग मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये सब क्या है फिल्टर फीडर क्या लगी है इसमें छन्नी छन्नी से क्या करता है जो भी पानी में न्यूट्रिशन गुजर रहा है उसको खींच लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा रख लेगा और बाकी पानी को जाने देगा समझ आया समझ आया तभी को चलिए तो फीडिंग मेथड्स के अनुसार आइए जल्दी से समराइज करते हैं अभी जो हमने पढ़ा है फीडिंग मेथड्स के अनुसार लिविंग थिंग्स को हम बांटते हैं सर इससे ही एनर्जी लेते हैं हाँ इससे ही एनर्जी लेते हैं लेकिन जो बड़े एनिमल्स होते हैं ना देखिए जाहिर सी बात है पानी में जो घुला हुआ न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज्यादा तो नहीं होता तो बड़े जानवर का सर्वाइवल इज नॉट दैट सिंपल कि बस घुले हुए न्यूट्रिय से खाना ले ले इट इज नॉट दैट सिंपल तो जो बड़े जानवर मतलब रिलेटिवली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो इसको एज अ सप्लीमेंटल मेथड यूज करते हैं यानी कि सप्लीमेंट करते हैं। इससे, हैं इससे भी खाना लेते हैं इससे भी खाना लेते हैं ठीक है बाकी कोरल्स वगैरह क्या है आस पास से जो भी जीव जंतु गुजरता है उसको पकड़ के भी खा लेते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीडिंग मेथड्स सर टेस्टबुक में आपका क्लास कितने बजे से आज क्लास नहीं है आज चिल्मा आज संडे है आज ओनली यूट्यूब चलिए तो फीडिंग मेथड्स के अनुसार हमने पढ़ा हम प्लांट एनिमल्स को दो मेन ग्रुप में बांट सकते हैं एक क्या है ऑटोट्रॉफ दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफ ऑटो का मतलब सेल्फ ट्रॉफ का मतलब फीडिंग ऑटोट्रॉफी यानी सेल्फ फीडिंग हेटरोट्रॉफी यानी अन्य अदर सोर्स फीडिंग ठीक है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए उनको क्या बोलोगे ऑटोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे से बटोरे उसको क्या बोलोगे हेटरोट्रॉफ सिंपल है ठीक है ऑटोड्रॉफ को हम बांटते हैं प्रोड्यूसर्स में है ना अपना खाना खुद बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर्स दो प्रकार के हो सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ यानी जो फोटो सिंथेसिस के जरिए ऑटोट्रॉफी करे अपना न्यूट्रिशन खुद ढूंढे लेकिन प्रोसेस फोटो सिंथेसिस दूसरा क्या है कीमो यानी ये भी अपना न्यूट्रिशन खुद ढूंढेगा लेकिन जरिया क्या है कीमोसिंथेसिस का जैसे समुद्र की गहराई में रहने वाला डीप सी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफी इसका क्या हो गया एग्जाम्पल आपके आसपास इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं पानी में रहने वाले जो फाइटो हैं जो एलगी हैं ये सब क्या कर रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफी कर रहे हैं एल्गी सिर्फ पानी में नहीं होता, है ना पे भी देखने मिलेगा चलिए ये किसकी कहानी थी ऑटोट्रॉफी की फीडिंग के अनुसार हेट्रोट्रॉफी क्या हो गया जो दूसरे सोर्स से अपना खाना डिराइव करे यानी कि भैया अपना खाना खुद नहीं बनाएगा किसी और का शिकार करेगा या किसी और पे निर्भर करेगा खाने के लिए अब हेटरोट्रॉफी दो प्रकार से हो सकता है एक हो गया कंज्यूमर दूसरा हो गया डीकोजर कंज्यूमर यानी क्या करे जो कि ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करे जो कि कुछ देर पहले तक जीवित था या फिर रिसेंटली जिसका शिकार हुआ है ठीक है अब कंज्यूमर्स को बांट सकते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी का मतलब पहला सेकेंडरी का मतलब दूसरा कंज्यूमर किसको मार रहा है अपना खाना खुद नहीं बना रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया वो कंज्यूमर जो किसी प्रोड्यूसर को खा रहा है क्योंकि फूड का चेन अगर मैं बनाऊ तो ऐसा बनेगा ना ग्रास है ग्रास के ऊपर मान लीजिए डियर है डियर ने खाया ग्रास ठीक है डियर को किसने खाया डियर को खा लिया मान लीजिए वुल्फ ने वुल्फ ने तो यहां पे अगर आप देखें तो ग्रास तो क्या है प्रोड्यूसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूसर है डियर क्या हो गया कंज्यूमर है लेकिन इस चेन का पहला कंज्यूमर है तो इसको क्या कहोगे प्राइमरी कंज्यूमर पहला कंज्यूमर हमेशा क्या खाता होगा किसी प्रोड्यूसर को ही खाता होगा किसी प्रोड्यूसर को ही खाता होगा ना और इसके बाद अगर आप देखो तो जिस जो वुल्फ है वो क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है वो किसी कंज्यूमर को खा रहा होगा तो जो हर्बी वोर्स हैं वो क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और कारनी वो ये सब क्या होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या थर्ड टर्शरी भी हो सकता है क्वार्टरनरी भी हो सकता है बाकी फूड चेंज जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ में समझाऊंगा ठीक है ये क्या हो गया कंज्यूमर हेट्रोट्रॉफी का और एक तरीका है वो क्या है डीकम्पोजर ये वो है जो अपना एनर्जी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हो कंज्यूमर तो कैसे कर रहे हैं लिविंग या फिर रिसेंटली किल्ड से अपना एनर्जी ला रहे हैं डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं ये एनर्जी अपना नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से ला रहे हैं तो डिकम्पोजर अगर आप देखें ये अपना एनर्जी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से ला रहे हैं तो डिकम्पोजर दो भाग में इसको हम बांट सकते हैं एक क्या हो गया डेट्रीटिवर जो कि डेट्रीटस को खा रहा है जैसे यहां पे क्या हो रहा है इंजेक्शन हो रहा है है ना जैसे अर्थवम जैसे वुडलाइस जैसे डंग बीटल डेट्रीटस को खाता है और उससे एनर्जी लाता है दूसरा है सैप्रोट्रॉफ ये अगर आप देखो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है यहां पे खा नहीं रहा एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसके माध्यम से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है और फिर उससे एब्जॉर्प्शन होता है फिर उससे एब्जॉर्प्शन होता है जैसे कि लकड़ी है तो उस पर फंगी लगी है और फंगी उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ के कंज्यूम कर रहा है बैक्टीरिया है तो कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसको कंज्यूम कर रहा है तो एनिमल्स को बैक्टीरिया प्लांट्स पर फंगी मेन सेप्रोट्रॉफ का काम करते हैं तो क्लियर हुआ यहां तक कहानी सबको समझ आई आप बताइए आपके जितने भी सवाल हैं आप अब पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल हैं अब आप पूछ सकते हैं एक मिनट एक मिनट एक अब आप पूछ सकते हैं क्या सवाल है क्या कितने बजे <coughs> तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाएंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे क्लियर है नेक्स्ट टॉपिक पर चलें चले, कहां गए मेरी उम्र पूछने वाले कहां गए चले गए <laughs> चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इकोटोन इकोटोन तो अभी हमने ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ ये सारी चीजें पढ़ ली अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं इकोटोन के बारे में इस पर काफी बार यूपीएससी ने ना प्रिलिम्स में सवाल पूछा है ठीक है तो इकोटोन क्या है यह एक जोन ऑफ जंक्शन दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में जो जंक्शन है जो बॉर्डरिंग रीजन है उसको क्या कहते हैं इकोटोन इकोटोन जैसे कि मरीन इकोसिस्टम है, है ना ये ये क्या है समुद्र हो गया ना मरीन इकोसिस्टम हो गया ये यहां पे क्या है रिवर है ये क्या है रिवर इकोसिस्टम है और इतने भाग में जहां पे रिवर और समुद्र मिल रहा है ये कैसा इकोसिस्टम है ये एक बॉर्डरिंग रीजन है इसके पीछे जाओ तो रिवर आगे जाओ तो समुद्र और बीच में क्या मिलेगा एस्चुरी तो ये क्या है एस्टोराइन इकोसिस्टम जहां पे फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम दोनों ही मिल रहे हो बैरियर नहीं है बैरियर नहीं है ये जंक्शन है ये बॉर्डरिंग रीजन है ठीक है बॉर्डर है ये जहां पे दो अलग अलग इकोसिस्टम मिल रहे हो इधर देखो ये क्या है जंगल फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ यहां पे क्या है ग्रासलैंड है और वो जो कि इसका बॉर्डर बना अलग कलर से दिखाता हूं तो ये दिखेगा वो जो इसका बॉर्डर है यहां पे जिसके एक तरफ क्या है फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एक तरफ क्या है ग्रास इकोसिस्टम तो वो जो ट्रांजिशनल जोन है वो क्या कहलाएगा वो कहलाता है इकोटोन इकोटोन यहां पे क्या है दिस इज लैंड इकोसिस्टम यहां पे क्या है एक्वेटिक इकोसिस्टम और ये जो है ये क्या है इसका ट्रांजिशन जो कि एक मार्शलैंड है एक मार्शलैंड है ये क्या है लैंड और एक्वेटिक के बीच का ट्रांजिशन है ये क्या है ये एक इकोटोन है क्लियर तो इकोटोन एक जोन ऑफ जंक्शन है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट के आगे जाओगे तो क्या मिलता है समुद्र मिलती है पीछे जाओगे तो लैंड मिलता है है ना यहां पे सी है यहां पे लैंड है और बीच में आपको देखने मिल रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है लैंड एंड सी के बीच का एक इकोटोन है एक लैंड इकोसिस्टम, एक समुद्र का इकोसिस्टम उनके बीच में क्या देखने मिल रहा है आपको देखने मिल रहा है एक इकोटोन। क्लियर तभी को क्लियर है किसी को कोई सवाल पूछना है ठीक है वैसे ही यहां पे देख रहे हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है मछली मार रहा है नदी है पीछे जाओगे तो लैंड है रिवर का अपना इकोसिस्टम है लैंड एक अलग इकोसिस्टम है और इसके बीच में ये जो बॉर्डरिंग अलग सा दिख रहा है देख रहे हो लैंड और रिवर के बीच में रिवर बैंक है <coughs> कैसे अलग सा दिख रहा है ये तो ये क्या है ये भी एक इकोटोन है ये भी एक इकोसिस्टम है लेकिन ये इकोसिस्टम क्या है ये एक इकोटोन है तो इकोटोन अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है नैरो भी हो सकता है जैसे एक रिवर का बैंक रिवर और लैंड के बीच में होता है एक रिवर बैंक बिटवीन रिवर एंड लैंड या फिर बहुत चौड़ा हो सकता है फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में कुछ मिड मिड ड्राई लैंड एरिया होते हैं ये सब क्या होते हैं एक बड़ा सा इकोसिस्टम होता है यहां पे अगर आप देखोगे जो कंडीशंस होते हैं दोनों ही इकोसिस्टम में जो कंडीशन पाए जाते हैं थोड़े थोड़े दोनों इकोसिस्टम के कंडीशन आपको देखने मिलते हैं जैसे कि यहां की बात करूं यह क्या है मार्शलैंड है एक तरफ लैंड है एक तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है मार्शलैंड में दलदल दल वाला इलाका होगा तो यहां पर थोड़ा लैंड जैसा भी स्वभाव होगा इसका थोड़ा पानी वाला स्वभाव भी होगा ना तो ये अगर आप देखो तो इसमें जो कंडीशन है ये दोनों ही इकोसिस्टम के इंटरमीडिएट जो दोनों इकोसिस्टम है दोनों के ही थोड़े थोड़े कंडीशन देखने मिलते हैं ये एक जोन ऑफ टेंशन है लैंड इकोसिस्टम कह रहा है कि मेरे जैसे बनो एक्वेटिक इकोसिस्टम कह रहा है मेरे जैसे बनो दोनों के बीच में क्या हो रहा है संघर्ष हो रहा है एक जोन ऑफ टेंशन है दोनों अपने जैसा बनाना चाह रहा है और ये इसमें दोनों का ही स्वभाव है इकोटोन नेचुरल भी हो सकता है मैन मेड भी हो सकता है नेचुरल इकोटोन आपको इतने सारे बताए मैंने इतने सारे बताए मैनग्रोव फॉरेस्ट बताया ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन बताया एस्ट्योराइन इकोटोन बताया रिवर बैंक इकोटोन बनाया ये सब क्या है नेचुरल इकोसिस्टम्स के बीच में वैसे ही मैन मेड इकोटोन भी हो सकता है मेरे घर के पास एक गार्डन है एक गार्डन है मेरे घर के पास और उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो एक खेत है यानी कि इस प्रकार से ऐसे गार्डन है और इसी से जुड़ा हुआ ऐसे फार्म है तो गार्डन और फार्म दोनों का जो कॉमन इलाका हो गया ये क्या हो गया ये क्या होगा ये एक तो गार्डन और फार्म के बीच का जो इलाका है ये क्या कहलाएगा ये एक इकोटोन हुआ ना ये एक हुआ ना और ये कैसा इकोटोन हुआ नेचुरल है या मैनमेड है जरा बताइए कैसा इकोटोन है नेचुरल हुआ या मैनमेड हुआ <coughs> गार्डन भी माली ने बनाया फार्म किसान ने बनाया भगवान का तो दिया हुआ है नहीं तो यह क्या है मैन मेड इकोटोन है मैन मेड इकोटोन है अच्छा और एक खासियत होती है इकोटोन में आपको देखने मिलता है एज इफेक्ट, एज इफेक्ट क्या होता है एज इफेक्ट इकोटोन में बहुत इंपॉर्टेंट है जानिए इकोटोन में आपको देखने मिलता है एज इफेक्ट ये एक इकोलॉजी का कंसेप्ट है जो कहता है जो लाइफ की डाइवर्सिटी है इकोटोन में वो अगर आप देखें तो दोनों ही एडजेसेंट इकोसिस्टम से ज्यादा है ज्यादा है यह एक इकोसिस्टम एक है ए यह एक इकोसिस्टम एक है बी ये क्या हो गया इको सिस्टम ए और बी का इकोटोन हुआ ना दिस इज इकोटोन इकोटोन हुआ ना ए एंड बी का तो इकोटोन ऑफ ए एंड बी अगर आप देखोगे इकोटोन ऑफ ए एंड बी अगर आप देखोगे तो यहां पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ए में अगर आप देखोगे तो तीन स्पीशीज है बी में अगर आप देखोगे तीन स्पीशीज है तो ए एंड बी का जो इकोटोन है वहां पे आप आओगे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है नौ स्पीशीज देखने मिल रहे हैं इसको क्या कहते हैं एज इफेक्ट एज इफेक्ट वो इलाका जहां पे टू एडजेसेंट इकोसिस्टम का एजेस ओवरलैप करता है वहां पे आपको ग्रेटर लाइफ डाइवर्सिटी देखने मिलती है यानी कि सिंपल शब्दों में बोलू तो इकोटोन में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है क्लियर है ये सभी को? इफेक्ट समझ आया क्या है अब देखिए कैसे ये तो पतला सा इलाका है फिर भी कैसे डाइवर्सिटी ज्यादा है यहां पे लैंड है यहां पे आपको मान लेते हैं लैंड में आपको देखने मिलता है डियर आता है ठीक है और ये क्या है एक लेक है ठीक है ये क्या है लेक है तो यहाँ पे डियर रहता है टाइगर भी रहता है है ना वैसे ही लेक में आप देखोगे तो लेक में आपको बर्ड्स मिलती हैं डक मिलता है वैसे ही आप देखोगे तो यहां पे फिश भी देखने मिलती है तो लैंड एंड लेक जहां पे मिल रहा है ये जो स्वैम्पी मार्शी रीजन है ये जो स्वैम्पी रीजन है यहां पे अगर आप देखोगे डियर भी आ रहा है पानी पीने टाइगर भी आ रहा है पानी पीने डक भी अगर आप देखोगे तो यहीं पर जाता है कीड़े वीड़े मिलते हैं उसको खाने जाता है मछली भी इस इलाके में जाती है फूड के तलाश में इसके सिवा कुछ स्पेशलाइज जीव हैं जो इन्हीं इलाकों में एम्फीबियंस वगैरह हैं जो यहीं पर रहना पसंद करते हैं जैसे टर्टल जैसे फ्रॉग तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बना है यहाँ पे लैंड के जीव भी देखने मिल रहे हैं पानी के जीव भी देखने मिल रहे हैं और कुछ स्पेशलाइज जीव भी देखने मिल रहे हैं इसको क्या कहते हैं कौन सा इफेक्ट आज दो आर्ट्स की क्लास है मेरी चाय खत्म नहीं हो रही आप लोगों ने नजर लगा दी है पूरा भर के लाया था फिर भी खत्म है देखिए पानी है ही नहीं खत्म नजर लगा दी आप लोगों ने अब पानी पीना पड़ेगा मुझे सर आज क्लास दो घंटे की है ठीक है और पांच मिनट ब्रेक मिलेगी ठीक है एज इफेक्ट कर लेते हैं इकोटोन कर लेते हैं उसके बाद पांच मिनट की ब्रेक ले लेंगे ठीक है ठीक है तो एज इफेक्ट क्या है एज इफेक्ट क्या है तो ये क्या है इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसके अनुसार लाइफ डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कहां पे बाउंड्री रीजन जहां पे ए और बी दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं वहां पे अगर आप देखो तो डाइवर्सिटी ज्यादा देखने मिलती है <laughs> क्या रिप्लाई चाहिए भाई रिशु ठीक है ब्रेक है पांच मिनट ब्रेक ले लीजिए फाइव मिनट्स ब्रेक थर्टी फाइव पे क्लास लेंगे ने मेरी एज पूछी है, बावन साल है अभी फिफ्टी टू फिफ्टी टू ईयर्स यंग मैं हूं <laughs> तो भाई ब्रेक ओवर स्टार्ट किया जाए उससे तो पहले आगे बढ़े बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है वो भी आपको बता देता हूं तो टेलीग्राम चैनल क्या है जहां पे आप जुड़ेंगे जल्दी से लिखिए कमेंट में जहां पे आपको जुड़ना है जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसके सिवा किंजल ऑफिशियल पे आप जुड़ेंगे इसके सिवा कुछ अनाउंसमेंट है जो कि इस प्रकार है देखिए सबसे पहले एक नवंबर से जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है एक साल की यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत 35,999 हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए हो जाएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्योंकि आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं हम आपके लिए लेकर के आए हैं मौके पे चौका सेल यानी कि प्राइस राइज के पहले स्पेशल डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं एक साल की यूपीएससी सी एस सी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है केवल अठारह हजार आठ सौ निन्यानवे रुपए में ये तब है जब आप कूपन कोड यूज करेंगे किंजल और एक नवंबर से प्राइस आई गई उसके पहले आप इससे जुड़ सकते हैं एंड मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें लेकिन तो जब आप ये कूपन कोड किंजल यूज करते हैं तो आपको बता देता हूं दिस इज दी ये कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है कोई भी कूपन कोड इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता नंबर वन नंबर टू नंबर टू इस प्रकार के जो फ्री कोर्सेज हम रन करते हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं तो हम उससे बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप कूपन कोड केंजल यूज करते हैं तो सुपर कोचिंग अगर आप देखें तो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता है सुपर कोचिंग मिलती है सुपर कोचिंग में आपको सुपर टीचर्स का साथ मिलता है उनके द्वारा बनाए गए हैं थर्टी प्लस वीडियो कोर्सेज फाइव फिफ्टी प्लस मॉक टेस्ट फाइव हंड्रेड प्लस स्टडी नोट्स थाउजेंड प्लस डेली लाइव क्लासेस

899 सौ निन्यानवे रुपए में सब्सक्रिप्शन पाए जब आप कूपन कोड यूज करेंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या बातचीत हो रही है नहीं विजय ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आपके ऊपर है आप देख लीजिए अगर आपको लाइव पसंद है तो आप यहाँ पे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली ये नई क्लास है तो नई चीज़ें इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ऐड करूंगा है ना ऑब्वियसली इसमें काफ़ी नया कंटेंट आपको देखने मिलेगा जो कि पिछले साल के एग्जाम में आया है वो सारे टॉपिक्स हैं तो उसके कंटेक्स में चीज़ों को समझाना होगा ऑब्वियसली वो भी रहेगा बाकी आपकी इच्छा है आपकी, आपकी इच्छा है तो विजय मैं कहूंगा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए ठीक है वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ठीक है ना अगर कंसेप्ट आपको लग रहा है क्लियर है तो फिर यू कैन लिव इट तो ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन होगा जब आप इस वक्त को या तो रिवाइज करने के लिए देख लें क्लासेस या फिर आप क्या करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें एमसी क्यूज करें चलिए तो हमने क्या देखा भाई क्या देखा भाई इकोटोन देखा इकोटोन के बारे में क्या जाना आवाज क्लियर है चलिए चेक हो गया ठीक है तो हमने देखा इकोटोन के बारे में इकोटोन क्या है जोन ऑफ टेंशन है और यहाँ पे एक सवाल आया सर ऐसा कैसे हो रहा है यहां पे तीन स्पीशीज यहाँ पे तीन स्पीशीज तो तीन प्लस तीन छ होना चाहिए था ना स्पीशीज क्यों हो गया क्यों हो गया तस्वीर देखो कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो इस यूनिक इकोटोन के ही है ना कुछ स्पीशीज तो ऐसे हैं जो बस और बस इस एस्टुराइन इकोसिस्टम में ही रहते होंगे इस एस्टुराइन इकोसिस्टम में ही रहते होंगे ना तो नदी में ना तो समुद्र में बल्कि बस और बस एस्टोराइन इको में ही तो उनका भी तो नंबर काउंट करोगे ना वो स्पीशीज भी तो वहीं रहते हैं बाकी नदी और समुद्र वाले दोनों आते हैं पिकनिक मनाने तो ये क्या है ये क्या है इस वजह से स्पीशीज क्या हो गए ज्यादा हो गए ठीक है तो ये जो स्पीशीज हैं जो कि प्राइमरीली मोस्ट एबंडेंटली इसी जोन में रहते हैं उनको क्या कहते हैं एज स्पीशीज एज स्पीशीज जैसे कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी है एक तरफ डेजर्ट है दूसरी तरफ फॉरेस्ट है उसके बीच में है भरतपुर बर्ड सेंचुरी एस्टुरी जहां पे नदी समुद्र से मिल रही वहां पे एक तरफ फ्रेश वाटर है एक तरफ सी वाटर है एस्टुरी में जानते हो इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है तो स्पीशीज ओवरलैप करता है इकोटोन में यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे यही सारे स्पीशीज मिल रहे हैं लैंड में ये एक्वेटिक जोन में ये सारे स्पीशीज हैं और ये जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे ये भी है ये भी है और साथ साथ कुछ स्पेशलाइज स्पीशीज भी हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रही है बढ़ रही है तो लैंड भी है एक्वेटिक भी है और स्पेशलाइज स्पीशीज भी है तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है दिस इज एज इफेक्ट और जो स्पीशीज हैं जो कि स्पेशलाइज हैं यहीं पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं एज इफेक्ट में जो रह रहे हैं उनको कहते हैं एज स्पीशीज ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एज के पीछे कारण क्या है क्यों स्पीशीज बढ़ जा रहे हैं कुछ तो कारण होगा ना देखिए पहला कारण क्या है ना जो दोनों ही इकोसिस्टम है एक तरफ फॉरेस्ट है एक तरफ ग्रासलैंड है है ना दोनों से आप रिसोर्सेज एक्सेस कर पाते हो एक जगह पर तो इसलिए यहां पे जो नेट रिसोर्सेस हैं वो काफी ज्यादा होता है अगर मैं एस्टोराइन इकोसिस्टम की बात करूं तो ये ओपन समुद्र है यहां पे रिवर है यहां पे अगर आप देखो तो रिवर न्यूट्रिएंट रिच वॉटर लेके यहां पर समुद्र से मिल रहा है और यहां पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोनों जगह के हैं और इस वजह से आप देखोगे एज इफेक्ट आपको होते हुए दिखेगा क्योंकि दोनों ही इकोसिस्टम के रिसोर्सेज आपको देखने मिलते हैं इसके सिवा क्या होता है यूनिक कंडीशन बनता है जैसे हवा का टेम्परेचर जैसे ह्यूमिडिटी जैसे सॉयल मॉइस्चर जैसे लाइट के जो इंटेंसिटी है जो लाइट पहुंच रही है उसका लेवल इस वजह से अलग प्रकार का एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है जिसमें यूनिक स्पीशीज वहां पर रह पाते हैं जैसे कुछ मछलियां होती हैं जो ब्रैकिश वाटर में रहती हैं ना तो नदी के मीठे पानी में ना समुद्र के खारे पानी में बल्कि बीच बीच के पानी में तो उसमें रहने वाले स्पीशीज भी सपोर्ट करता है इसके सिस्टम इसके सिवा जो इको का एज होता है ना एक तरफ नदी एक तरफ समुद्र उसके बीच में जो एज है ये एक एनर्जी नेट का काम करता है एक छदनी का काम करता है जो कि मैसिव मटेरियल न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं ना एक वेटलैंड है एक जैसे आप देखो तो यहां पे आप देख रहे हो ये क्या एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या कर रहा है एक तरफ समुद्र है एक तरफ लैंड है उसके बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर आप देखोगे क्या कर रहा है लैंड से जो पानी बह के समुद्र की ओर जा रही है यह फॉरेस्ट एक प्रकार से अपने डेंस डेंस इकोसिस्टम से फॉरेस्ट कवर है उसका रूट्स है वो क्या कर रहा है वो उस प्रकार से जो एनर्जी फ्लो हो रही है जो समुद्र में जाती उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके वहीं पर रोक के रखा है एक प्रकार के छन्नी का काम वो कर रहा है तो ये क्या है एनर्जी नेट है तो जो मैसिव मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी मूव कर रही है दो अलग अलग इकोसिस्टम के बाउंड्री के बीच में उसके बीच का वो अगर आप देखो तो दोनों के नेट का, का काम करता है और उसको रोक के इस तरीके से वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने मिलती है जिस वजह से इकोसिस्टम्स क्या हो जाते हैं हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं साइक्लोन को भी फ्लो करता है बिल्कुल करता है बिल्कुल करता है तो बायोम्स की अगर हम बात करें ना तो प्रोडक्टिविटी वाइज देखिए प्रोडक्टिविटी क्या हुआ पहले बता देता हूं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ये वो दर है ये वो रेट है जिसपे जितने भी ऑटोट्रॉफ किसी इलाके में जितने भी ऑटोट्रॉफ रहते हैं वो नेट यूजफुल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द मोरलेस जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस करके नेट कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो हिसाब करेंगे वो क्या हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम एक है कोई इलाका है उस इलाके का मान लीजिए यह हंड्रेड मीटर स्क्वायर जमीन है टेन मीटर टेन मीटर की टेन मीटर इंटू टेन मीटर की जमीन है टोटल इलाका कितना है हंड्रेड मीटर स्क्वायर का है एक साल में एक साल में एक साल में मान लीजिए इस इलाके में हंड्रेड मीटर स्क्वायर के इलाके में जैसे तीन पेड़ हैं और कुछ घास का पैच है ये चार घास का यहां पे पैच है घास का पैच चार है और तीन पेड़ हैं मान लेते हैं एक पेड़ एक साल में जो नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी बनाए वो मान लीजिए किलो कैलोरी में अगर मैं कहूं तो वो है मान लेते हैं पंद्रह सौ किलो कैलरी एक जो घास का पैच है मान लेते हैं एक साल में यह बनाता है 500 किलो कैलरी का नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी तो आप मुझे बताइए तो इस 100 मीटर स्क्वायर में एक साल में नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी कितनी बन रही है तीन पेड़ एक पेड़ पंद्रह सौ किलो कैलरी चार घास पैच एक घास पैच पांच सौ किलो कैलरी टोटल कितना हुआ साढ़े छे हजार किलो कैलरी साढ़े छे हजार किलो कैलरी हुआ कि नहीं और ये कितने इलाके में हुआ हंड्रेड मीटर स्क्वायर में हुआ कितने टाइम में हुआ वन ईयर में हुआ तो मैं अगर इस इलाके का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा साढ़े छह हजार किलो कैलरी कितने इलाके में हंड्रेड मीटर स्क्वायर में तो एक मीटर स्क्वायर में कितना हुआ सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव किलो कैलरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हुआ कि नहीं तो ये क्या कैलकुलेट किया मैंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई क्लैरिटी है ये क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम किसी भी इलाके का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली यहां पर जो नंबर्स दिए हैं मैंने आपको ये आर्टिफिशियल है नंबर्स सही नहीं है परपस था आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझाना अब मैं आपको सही नंबर दूंगा तो ये क्लैरिटी मिली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी इलाके का ठीक है तो अब अगर आप देखें तो अलग अलग इकोसिस्टम्स का अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें तो ये देखिए एस्ट्यूरीज का कितना ज्यादा है करीबन नौ हजार किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर स्वैम्स एंड मार्शेस का भी उतना ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी कुछ उतना ही एस्ट्यूरी स्वैम्स एंड मार्शेस दोनों ही क्या है दोनों ही अगर आप देखो तो इकोटोन है दोनों ही अगर आप देखो तो इकोटोन है है कि नहीं तो ये आपको बता रहा है कैसे इकोटोन अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा कभी कभी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहां पर आपको देखने मिलती है है कि नहीं तो वही आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है किसके लिए इकोटोन के लिए और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इकोटोन वाले इलाके में आपको इस प्रकार से स्पेशीज़ ज्यादा देखने मिलता है तो एज इफेक्ट आपको होता हुआ दिखता है ठीक है तो फिर यह कहानी जरूरी था कि मैं जरूरी था कि मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट भी था एंड कल तो हम देखेंगे हैबिटेट क्या होता है कल तो नहीं यूपीएससी ने बार बार पूछा है बार बार पूछा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से पूछा है इकोटोन से पूछा है एज इफेक्ट से पूछा है एंड ये आएगा ही आएगा हर साल आता है तो कल हम देखेंगे कल तो नहीं अगली क्लास जब होगी अगले वीकेंड पे होगी तो इकोलॉजिकल नेश क्या होता है है ना उसके बाद हम देखेंगे सक्सेशन क्या होता है और प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन एनर्जी फ्लो कैसे होता है वैसे ही क्रॉसिक लेवल्स क्या हैं, एनर्जी फ्लो को जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे लॉ क्या 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 है, 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 एनर्जी रूल फूड चेन इससे भी यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछा है अलग अलग प्रकार के फूड चेन देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन डेट्रीटस फूड चेन फूड वेब क्या होता है अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म प्रेडेशन ये सब हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में और उसके बाद एनर्जी फ्लो कैसा होता है है ना उसमें हम देखेंगे कि बायोजियो केमिकल साइकल्स कैसे हैं तो ये सब हमको आने वाले दिनों में देखना है तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एंड किसी को कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं बाकी मौके पे चौका सेल है प्राइसेस हाइक होने वाली है एक नवंबर से बाद में बोलेंगे आप सरप्राइज हाइक हो गई बताएं नहीं तो इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं और स्पेशल सेल भी आपको दे रहे हैं जिसमें एक साल की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगी अठारह रुपए में तब है जब आप कूपन कोड यूज करेंगे के आई एन जे एल दैट इज किंजल तो आप निश्चिंत होकर क्या करें इस कोड का इस्तेमाल करें जब आप ये कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और इस प्रकार के फ्री कोर्सेज को आप सपोर्ट भी कर पाएंगे चलिए थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट वीडियो लेक्चर थैंक यू आई एम आप लोगों को पसंद आया सब क्लियर है नो डाउट सर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर देखिए यही है इकोलॉजी के कंसेप्ट आपके जीवन में हमेशा के लिए धस जाए बैठ जाए कि कोई डाउट ही ना हो सके इसके सिवा कुछ नहीं है ये यही है है ना कोई डाउट के लिए जगह ही ना बचे तो इसी अप्रोच के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलिए तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ का लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा तो अगले वीकेंड के बाद में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा तो थोड़ा बड़ा पीडीएफ होगा तो आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा है ना तो ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा तब तो तक ठीक है तो तब मिलते हैं तब तक के लिए मिलेंगे कल तो बाकी ज्योग्राफी की क्लास होगी ही आज कोई मास्टर क्लास नहीं है आप लोगों को बता देता हूँ तो सैटरडे टाइमिंग्स अभी तो डिसाइडेड नहीं है अभी तो डिसाइडेड नहीं है मैं चाहता था कि दस बजे रखूँ पर दस बजे ऑलरेडी एक क्लास होती है सैटरडे को तो दस बजे नहीं रख पाएंगे तो कोई टाइमिंग रख लेंगे है ना कोई मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ऑब्वियसली क्लास आने के पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी ठीक है तो आप उसमें ज़रूर जुड़ सकते हैं ठीक है ठीक है तो मिलते हैं फिर जल्दी मिलते हैं कहानी आगे बढ़ाते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय डू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे